फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती एंड वेलकम टू माय चैनल आरतीज आर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं वेज स्टीम बॉल्स जो बनेंगे स्प्रिंग ऑनियन और बीट फ्लोर से। तो ये बहुत ही हेल्दी और यमी रेसिपी है, आप बहुत चाव से खाएंगे और ये फटाफट से बनेंगी विद इन 7 to 8 मिनट्स। और इसके आपको डीप फ्राई करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो हेल्दी भी है। और इसमें सिर्फ वीट फ्लोर है, कोई मैदा कॉर्नफ्लोर कुछ भी नहीं आपको ऐड करना। बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स जो आपके घर में अवेलेबल है उसी से ये बनेगी, तो फटाफट से आप भी बना सकते हो। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कंजूसी मत करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए, इसमें इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्प्रिंग ऑनियन 1 बाउल वीट फ्लोर, क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, 2 टेबलस्पून सूजी, सेमोलिना, फिर तिल्ली, ये हम डालेंगे तड़के में, नमक, तेल और कुछ मसाले। ठीक है, तो चलते हैं। पहले हम सबसे पहले कढ़ाई ऑन कर लेंगे, ताकि जब तक हम आटा गूंदेंगे तब तक हमारा पानी गर्म हो जाएगा। इसमें हमने डाला है 1 गिलास पानी और 2 ड्रॉप तेल, ताकि हमारे स्टीम बॉल जो है वो आपस में चिपके नहीं। ठीक है, तो अब हम आटा गूंद लेंगे जब तक पानी गर्म हो रहा है। आटा गूंदने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स निकाले उन्हें हम ले लेंगे। आटा लिया, सूजी ले ली, उसके बाद नमक, फिर प्याज, हरी प्याज, इनको सब मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, ताकि जो आटा है वो चिपचिपे ना बने, इस अच्छे से ड्रेसिंग हो जाए उसकी। 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि हरा प्याज जो है वो हल्का सा तीखा होता है। ठीक है, तो हम पहले इसको अच्छे से मसल लेंगे, मसल के अच्छे से मिक्स हो जाए सारे मसाले, उसके बाद हम उसमें पानी डाल के आटा गूंदेंगे। थोड़ा करके डालिए पानी, हमें आटा ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा बनेगा तो स्टीम बॉल नरम नहीं रहेंगे, और पतला भी रहेगा तो वो अच्छे से पकेंगे नहीं अंदर तक। ठीक है, बहुत फटाफट से ये आटा रेडी हो जाएगा। आटा रेडी होने के बाद आपको उसको रेस्ट करने नहीं देना है, आप तुरंत उसके स्टीम बॉल्स बना सकते हो, और आप स्प्रिंग ऑनियन को कोई और सब्जी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दिए हैं, आप इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब देखिए, हमारा आटा गूंद के रेडी हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे साइज़ के स्टीम बॉल्स बनाएंगे। इसमें कम से कम 18 से 20 स्टीम बॉल्स बनेंगे हमारे, हम साइज़ और छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट ज़्यादा बड़ा भी खाने में दिक्कत हो सकती है, तो मीडियम साइज इज़ ओके। ठीक है, अच्छे से रोल करके आपको रखना है साइड में। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाया है तो हाथ में आटा चिपकेगा नहीं। देखिए, अब 18 से 20 स्टीम बॉल्स रेडी हो चुके हैं और हमारा पानी भी जो है वो गर्म हो चुका है, तो हम इसमें डालेंगे ये जाली वाली प्लेट और उस पर हम रखेंगे अपने स्टीम बॉल्स। सारे प्लेस कर दीजिए अच्छे से, आप 2 बैचेस में भी बना सकते हो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है तो। आटा आप एक साथ गूंद दीजिए और फिर 2 बैचेस में स्टीम करके रखिए। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप स्टीम बॉल्स पहले ही स्टीम करके रखिए, और बाद में जब खाना खाने का टाइम हो या खिलाना हो आपको, तब उन्हें फ्राई कर दीजिएगा। ये देखिए, अब प्लेस होने के बाद हमने इसे फुल गैस पे 5 मिनट तक स्टीम होने देना है। 5 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे स्टीम होने में, क्योंकि हमारी साइज़ जो है वो मीडियम है। ये देखिए, अब हमारे स्टीम बॉल जो है वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है और हमारी नाइफ़ भी एकदम क्लियर है। ठीक है, तो अब हम इसी कढ़ाई में ये स्टीम बॉल्स को फ्राई करेंगे। इसके लिए हम पहले स्टीम बॉल्स को नीचे उतार लेंगे, और फिर कढ़ाई में से जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकाल लेंगे। कढ़ाई का पानी इवेपोरेट होने दीजिए और फिर ही उसमें
ऑयल डालिएगा, नहीं तो ऑयल और पानी मिक्स हो जाएगा। लगभग 1 टेबलस्पून हमें ऑयल डालना है, नहीं तो ऑयली हो जाएंगे वो। फिर हम इसमें डालेंगे राई, और जब राई क्रैकल होगी उसके बाद ही आपको जीरा डालना है। राई क्रैकल होने से पहले जीरा डाल देंगे तो जीरा ब्राउन हो जाएगा और राई कच्ची रह जाएगी। ये देखिए अब हमारी राई जो है वो क्रैकल करना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, फिर तिल्ली, फिर कड़ी पत्ता, और ये सब हम फ्राई करेंगे और इसमें अपने स्टीम बॉल्स, ये सारी चीज़ें फ्राई करके अब हमने इसमें स्टीम बॉल्स डाल दिए। स्टीम बॉल्स को ये मसाले में अच्छे से रोल करेंगे ताकि तिल्ली जो है वो स्टीम बॉल्स के सारे साइड में लग जाए, अच्छे से रोल हो जाए, क्योंकि वो दिखेगा भी अच्छा और टेस्ट भी अच्छा आएगा अगर हर साइड से तिल्ली लगेगी तो। और इसमें वो हल्की ब्राउन हो जाती है तो खाते टाइम बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, अब हम इसे 1 मिनट तक इसमें पकने देंगे ताकि जो तिल्ली है उसका फ्लेवर उसमें आ जाए। ऊपर से हमने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, चाट मसाला हमको ऑयल में नहीं डालना है, नहीं तो वो जल जाएगा और टेस्ट नहीं आएगा। ऊपर से डालने पर वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। आप सोया सॉस या चिली सॉस वगैरह भी डाल सकते हो अगर आपको चाइनीज़ स्टीम बॉल्स बनाने हैं तो, नहीं तो आप ऐसे ही सिर्फ चाट मसाला भी डाल सकते हो। ठीक है, 1 मिनट बाद हमारे स्टीम बॉल्स जो है वो रेडी है सर्व करने के लिए। हल्के से ब्राउन भी हो गया है ये। अब हम इन्हें सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और टोमेटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें सर्व कर दीजिए और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।